हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रुथ जीवन का सत्य में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान गणेश देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत ही प्रिय है और उनकी पूजा में दुर्वा यानी कि दूव का उपयोग किया जाता है। आखिर क्यों चढ़ाई जाती है भगवान गणेश को दुर्वा, जानिए इसकी वजह और इसके पीछे की पौराणिक कथा। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो आइए जानते हैं क्यों दुर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं। 21 दुर्वा को एक साथ इकट्ठा करके एक गांठ बनाई जाती है और कुल 21 गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अल्लासुर नाम का एक दैत्य था। उसके प्रकोप से धरती और स्वर्ग पर त्राही त्राही मची थी। अल्लासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अल्लासुर के आतंक को समाप्त करें। तब महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा कि सिर्फ श्री गणेश ही अल्लासुर का नाश कर सकते हैं। सबकी प्रार्थना पर गणेश जी ने अल्लासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तब ऋषि कश्यप ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। इन दुर्वा को गणेश जी ने ग्रहण कर लिया, जिसके बाद उनके पेट की जलन शांत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। हम आशा करते हैं कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के पीछे के रहस्य से आप अवगत हो गए होंगे। हर हर महादेव।